साहब मैं मुंह पर कहने के लिए तैयार हूँ। उनके डायरेक्टर को मैंने मुंह पर कह दिया। उन्होंने कहा ऐसे पैसा देते रहोगे तो हमसे बातें करते रहोगे। तो हमने कहा जब बातें करना है तो ऊपर वाले से बात करें, आपसे क्यों बात करें। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी मैं प्रयागराज से आया हूँ। हाँ। विनय कुमार ओझा। हाँ, हमारे डीएनए में 6 लोग हैं। हमारी पत्नी, बहू, बेटा और 2 हमारे पोते। गुरुजी मैं आपके मुंह से निकल कर आपके चरणों में आया। 4 फोर्थ ग्रेड का कैंसर है और 24 कीमो चढ़ चुका है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब यहाँ तक कि लखनऊ में दांता पीजीआई सब जगह कोई डॉक्टर अब हमको दवा करने के लिए तैयार नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल पर हमने परसों ये दरबार देखा तो मैं भागा चला आया। कल कहाँ का कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने आपको? जी हाँ, लीवर का कैंसर है, लंग्स कैंसर है बताया है, और मुंह में और गले में है। देखिए तमाम जगह देखिए क्या क्या है, सब कष्ट ये सब नष्ट हुए आपके। देखिए लीवर में सड़न हो रही थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली, घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित था, अपचय एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंतों में घाव बन रहा था, श्वास फूलती थी, मूत्र त्याग करने में जोर लगाते थे, मूत्र त्याग करते करते रुक जाना, किडनी में इन्फेक्शन था, पैरालिसिस की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में घाव बन रहा था, सूजन था, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में गलन हो रही थी, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, भोजन नली में घाव बन रहा था, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे कभी कभी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, श्वास फूलती थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुंह में, गले में, कोलोन में, लीवर में, प्रोस्टेट में और यूरेथ्रा में। जी सर। और जो वो बता रहे हैं कि फेफड़ों में कैंसर, पढ़ लीजिए क्या था, पढ़िए। लंग्स जो है कीमो से डैमेज हुआ, कैंसरस नहीं था, कीमो से घाव हो गए उसमें। जी सर। समझ गए, डॉक्टर साहब के कमाल से हुए। जी कमाल कमाल। हाँ, कितनी कीमो करी डॉक्टर साहब? 24 कीमो, 2-4 कीमो में लोग मर जाते हैं। 24 कीमो कर डाली। जी आपकी कृपा है। हाँ। भगवान की कृपा। तो डॉक्टर साहब लंग्स खा गए आपके? डॉक्टर साहब नहीं था, डॉक्टर साहब बुलाते थे, मैं सर नहीं गया। और इसी कारण श्वास भी ज्यादा फूलने लगी कीमो के कारण। जब से आपके कीमो हुए हैं तभी से आपकी ज्यादा श्वास फूलने लगी, क्योंकि लंग्स डैमेज हुए हैं। जी बाबा जी। हाँ। अब बाबा जी। और इन्हें कोई नहीं कहता कुछ, इनको बड़ा मीडिया वो सब लोग ऊपर। अरे भाई तो डॉक्टर साहब हैं, लंदन से आए पढ़ के, आदमी मारने के लिए अमेरिका से आए पढ़ के। डॉक्टर साहब मैं मुँह पर कहने के लिए तैयार हूँ। उनके डायरेक्टर को मैंने मुँह पर कह दिया। उन्होंने कहा ऐसे पैसा देते रहोगे तो हमसे बातें करते रहोगे। तो हमने कहा जब बातें करना है तो ऊपर वाले से बात करें, आपसे क्यों बात करें, पैसा देते अब हमारे जीने की कोई इच्छा नहीं है। इतना तेज दर्द है महाराज जी, इतना तेज दर्द है, इतना तेज। अब नहीं है, अभी था नहीं, अभी आप चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए, बताएं आपको। चलिए बाहर निकलिए स्मृतियों से, पहले पुराने से, भूतकाल से चल के आइए। अच्छे लोग है। डीएनए में क्या लोग रखे? डीएनए में पत्नी है। नहीं नहीं, कुल क्या लोग हैं? 6 लोग। आंखें बंद करो। ये जो दूसरों के कष्ट है नष्ट करके वापस दे दिए। प्रहार। शिट। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप चेक करिए, आप कहीं कोई कष्ट चल के आइए। कम हुआ है लेकिन है अभी। अब बहुत आराम है, बहुत आराम है। जी है, कम हुआ है। एक बात, आपको मृत्यु से भय लग रहा है? नहीं, मृत्यु से भय नहीं लगता हमको। खुश ईश्वर, ईश्वर आपके चरणों में अभी बुला ले तो हम चले जाएं। अरे ईश्वर नष्ट कीजिए, हमको जीने की इच्छा पैदा कीजिए, खुश रहिए। इतना कष्ट है कि गुरु अब ऐसा मत बोलिए कष्ट है, कष्ट है। कष्ट आपका 90% जा चुका है, इसलिए हड्डियों में तमाम कष्ट है, तमाम तमाम लिखे हुए इतने कष्ट गए हैं आपके, इसलिए धन्यवाद करिए ईश्वर का कि आप कष्टों से बाहर हुए हैं। 90% कष्टों से बाहर हुए हैं। डॉक्टर साहब कमाल करे, इतने सालों से आपको कोई कष्ट नहीं दूर पाए कर पाए, सिवाय कष्टों को बढ़ाने के, घटा नहीं पाए डॉक्टर साहब। यहाँ एक दिन में 90% कष्टों से कैंसर के रोगी हो बाहर होके खड़े हो। खुश रहिए। आप भोजन कर पाओगे? अभी किया भोजन आज आपने? नहीं, नहीं किया है। अब कर पाओगे भोजन? जो भोजन नहीं कर पाते, भोजन की इच्छा ही नहीं होती, अब कर पाएंगे आप? तो कर ही नहीं पाते तो इच्छा कहाँ से होगी? खुश रहिए।